हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरी ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम इन्वेंटरी फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो हम टैली प्राइम कोर्स में कर रहे थे, उसमें हमने अकाउंट्स का सारा फंडामेंटल किया था, जिसमें हमने डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स करना सीखी थी इन ऑल वाउचर्स, और मैंने लास्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना भी आपको बता दिया था। अब हम फीचर्स स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में अकाउंटिंग फीचर्स भी होते हैं, इन्वेंटरी से रिलेटेड फीचर्स भी होते हैं, फिर टैक्सेशन होता है सारा। तो हम जो अभी पिक कर रहे हैं वो हम इन्वेंटरी फीचर्स कर रहे हैं। इन्वेंटरी फीचर्स विद इन 2 और 3 वीडियोस में ही सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इन्वेंटरी क्रिएट करना, गोडाउन्स क्रिएट करना, कैटेगरी मेंटेन करना, स्टॉक ग्रुप मेंटेन करना, स्टॉक से रिलेटेड नॉर्मल जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो मैंने बताया था। बट कुछ एडिशनल भी इन्वेंटरी से रिलेटेड फीचर्स होते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको ऑपरेट करना आना चाहिए कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं तो आपको कैसे उन फीचर्स को यूज करना है, आप कैसे अपने स्टॉक को और एडवांस मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर F11 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके फीचर्स ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास फीचर आता है एक इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, आप इस ऑप्शन को येस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर है वो बैचेस का है। अभी के लिए हमें जस्ट प्राइस लेवल को इनेबल करना है। प्राइस लेवल हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को फिक्स करने के लिए, और हम मोस्टली सेल्स के ही केस में प्राइस लेवल यूज करते हैं। अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, होलसेलर, जो भी मतलब आपके प्राइस लेवल है कि आप किन किन को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप होलसेल रेट पे भी सामान बेचते हो, आप कस्टमर्स को भी सेल करते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो कस्टमर के लिए डिफरेंट होगा और होलसेल रेट जो होगा वो अलग होगा। तो आप चाहते हैं कि ये रेट्स आपको याद ना रखने पड़े, आप जस्ट एंट्री करते टाइम ये पिक करें कि जो पार्टी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका कस्टमर है या फिर होलसेलर है। उस केस में फिर आप उसमें जो रेट है वो ऑटोमेटिक देखते हैं कि ऑटोमेटिक वो पिक कर लेता है, चाहे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो चाहे फिर वो होलसेल रेट हो। ओके, तो अभी के लिए आपने जस्ट इसको इनेबल करना है। मैं अभी आपको करके बताऊंगी सारी चीजें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने इसको एक्सेप्ट कर लेनी है स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्राइस लेवल क्रिएट करने हैं। मास्टर्स में क्रिएट पे जाना है, एंड यहाँ पे आपके पास आता है प्राइस लेवल्स। यहाँ पे मैंने प्राइस लेवल में बनाया कि मेरा एक तो कस्टमर होते हैं और एक होलसेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर और होलसेलर बनाया, दो प्राइस लेवल। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्राइस लिस्ट। अब आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग लिस्ट जो है वो सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। तो अभी आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, स्टॉक ग्रुप भी ले सकते हो, स्टॉक कैटेगरी भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बाइफर्केशन दे रखी है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस को फिक्स करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑल आइटम्स ले सकते हो। उसके बाद प्राइस लेवल में कस्टमर है या होलसेलर आप ये ले लेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम कौन से डेट से एप्लीकेबल होने हैं, जो रेट आप सेट करेंगे, मैंने कहा 1 अप्रैल से होने हैं तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल ले लिया। एंड साइड में जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए थे वो आपको शो कर रहे हैं, जैसे 32 इंच LG का टीवी है, यहाँ पे मैंने इसको पिक किया। इसमें कॉस्ट प्राइस पे अमाउंट आ रहा है क्योंकि मैंने पहले जो 32 इंच LG का टीवी है वो मैंने जो डील किया था वो 25,000 में किया था, बट अभी मैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्राइस फिक्स कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपको क्वांटिटी को कंसिडर करने की नीड नहीं है, क्योंकि कस्टमर कभी भी आपसे बहुत सारा तो प्रोडक्ट नहीं लेगा, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने एक फ्लैट रेट सेट कर देना है कि जब भी मैं किसी भी कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल करूंगी तो वो हमेशा इतने रुपए का ही सेल होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 27,000 रुपीज, और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आ रहा है। अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहते हैं इस रेट के ऊपर तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद 42 इंच सोनी टीवी, इसका भी मैं प्राइस फिक्स कर देती हूँ। सपोज मैंने 28,000 कर दिया, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू कस्टमर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस फिक्स कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं होलसेलर्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। एप्लीकेबल डेट आप डाल देंगे कौन सी डेट से एप्लीकेबल करवाना है। एंड अब यहाँ पे हमने 32 इंच LG का टीवी लिया, एंड यहाँ पर हमने ले लिया कि जो होलसेल प्राइस है। अब इसमें तो हमें क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी जब ली जाएगी तभी मैं उसके ऊपर जो सेल वैल्यू है वो मैं
कम ज्यादा कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ले ली कि 10 टीवी अगर मेरे सेल होंगे तो 1 टीवी जो है वो मैं 25,000 का सेल करूंगी। अगर 10 से लेके 20,000 इन बिटवीन 10 to 20 अगर सेल होते हैं तो मैं थोड़ा सा प्राइस और कम कर देती हूँ, 22,000। ऐसे 20 to 30 मैंने 20,000 कर दिया। लीस्ट जो प्राइस है वो मैंने 20,000 किया है। 30 से अबव जितने भी सेल होंगे उनका जो प्राइस होगा वो 20,000 ही होगा। अब जो भी मैं रेट यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ ना, ये ऑटोमेटिक मेरे सेल्स की ट्रांजेक्शन में पिक हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया 27,000। 5 से 15 के बीच में, मतलब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट आप थोड़ा थोड़ा तो कम करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीजों को फिक्स कर लेंगे। ओके, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कस्टमर और होलसेलर प्रोडक्ट्स के प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया है प्राइस लिस्ट में। अब उसके बाद हम यहाँ पे वाउचर्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, और मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल ही कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी प्राइस लेवल सेल्स में ही यूज होता है, परचेज में यूज नहीं होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पार्टी बनाई हुई है, एक राज, मैंने कहा राज को मैंने सेल किया। जैसे ही राज मैंने पिक किया, वैसे ही यहाँ पर मेरे पास साइड में आ रहा है प्राइस लेवल। अब यहाँ पे आ रहा है कि राज मेरा क्या है, कस्टमर है या होलसेलर है। मैंने कहा होलसेलर है, तो मैंने होलसेलर ले लिया। सेल्स लेजर में सेल उठाया, नेम ऑफ आइटम में मैंने जस्ट आइटम पिक करनी है। होलसेलर है तो क्वांटिटी तो आप ज्यादा कम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने जीटी रोड ले लिया। और यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमने 32 इंच का लिया है उसमें 1 टीवी मैंने ली है, तो आप देखेंगे 1 टीवी का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक पिक हो जाता है। ओके, उससे 42 इंच का है, ये मैंने यहाँ पे लिया। अभी यहाँ पे मेरे पास स्टॉक ज्यादा है भी नहीं, अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, रेट मतलब ऑटोमेटिक ही आएगा जब आप यहाँ पे ऊपर प्राइस लेवल सेट कर लेंगे। चाहे आप कस्टमर्स को करिए, चाहे आप होलसेलर को करिए, रेट ऑटोमेटिक आए। ओके, तो जो प्राइस लेवल है उसको आपको कहीं वैसे डिस्प्ले भी नहीं करना। अगर एंट्री करते टाइम रेट ऑटोमेटिक आ जाता है, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल करेक्ट किए। ओके, तो ये होता है प्राइस लेवल, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम प्राइस को फिक्स कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इनेबल बैचेस को मैं यस करूंगी, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को यस करूंगी। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बैचेस को मेंटेन करना है, जैसे कौन सा प्रोडक्ट मेरा किस बैच में आया है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो उसका लॉट नंबर क्या है, तो उसके लिए हम ये वाले दोनों फीचर्स को इनेबल करते हैं। प्राइस लेवल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो आप इसको यस भी रख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इनेबल बैचेस को यस कर रहे हैं, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये दोनों ऑप्शंस को यस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसको यस करने के बाद अब जब मैं कोई भी आइटम क्रिएट करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करी, मैंने करी डव सोप, ऐसे करी मैंने डव सोप के नाम से, और मैंने यहाँ पे इसको यूनिट दे दी पीसेस। ओके, पीसेस दे दी। अब जैसे ही मैं इसको यूनिट दूंगी ना, यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, मेंटेन इन बैचेस, इसको हम यस कर लेते हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस कर देंगे। यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास बैचेस में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब चीजें आ जाएंगी, आप यहाँ पे ले सकते। ओके, ये तीनों फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, तभी एंट्री करते टाइम वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ओके, तो इसको इनेबल करना है। एंड अब जब मैं ये गुड्स परचेज करूंगी, तब देखिए विंडो कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अंश से परचेज कर रही हूँ। ओके, कोई भी पार्टी ले रही हूँ, अभी मैं एजुकेशन पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रही हूँ, आप पार्टी कोई भी ले सकते हैं। ओके, परचेज लेजर में परचेज ले लिया, नेम ऑफ आइटम में हमने यहाँ पे ले लिया डव सोप। जैसे ही डव सोप लिया, गोडाउन ऑलरेडी इनेबल है तो गोडाउन तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने गोडाउन दे दिया है। गोडाउन क्या दे सकते हैं, अभी के लिए मेन लोकेशन दे रही हूँ। यहाँ पे बैच नंबर या लॉट नंबर आ रहा है, किस लॉट में ये सारा सामान आया है, तो मैंने जो भी लॉट नंबर है वो यहाँ पे दिया है। आप क्या जो भी होगा, जैसे ब्राउन बॉक्सेस में मेडिसिन आती हैं, तो उसके बाहर पेंसिल से लिखा होता है ना उसका बैच नंबर, तो वो बैच नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। ओके,
और मैंने कहा 100 सोप्स आए हैं और इसमें जो रेट है एक सोप का वो 50 रुपीज है। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी उसके ऊपर होगी प्रिंट वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने ले ली। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो डालनी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे 24 ले लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट ले ली 2 अप्रैल और एक्सपायरी डेट ले ली 31 दिसंबर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पिक कर लिया है और इसको कर दिया है एक्सेप्ट। अब हम अपने स्टॉक की बैच वाइज अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। यहाँ पे हम लेते हैं इन्वेंटरी बुक्स एंड यहाँ पे बैच लेते हैं, नेम ऑफ आइटम पिक करते हैं, नेम ऑफ बैच पिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको हर एक बैच से रिलेटेड सारी आइटम्स शो करेंगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट शो करेगी, उसकी एक्सपायरी डेट शो करेगी, कितना आपने परचेज किया हुआ है, कितना फिर आपने सेल कर दिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करती है। ओके, देखिए ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब उसके बाद बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाते हैं कंट्रोल बी से। तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैच से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सपायर्ड बैचेस ओनली, शो बैच मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड। आप यहाँ पे शो बैच एक्सपायर डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बहुत सारा स्टॉक है और आपका एक्सपायर्ड हो चुका है, जो जो बैचेस वाले एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो आप यहाँ से कॉन्फिग्रेशन पे जाके फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। अभी तो मैंने रिसेंटली लिया है तो अभी तो मेरा ऐसा कोई भी नहीं है प्रोडक्ट, बट अगर आपका हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिस ऑफ वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ये क्या होता है? जैसे हमने इस ऑप्शन को यस किया डिस्काउंट कॉलम को, जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो यस करते टाइम क्या होता है कि जब भी मैं परचेज की एंट्री पास कर रही होंगी या फिर मैं सेल्स की एंट्री पास कर रही होंगी, मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम आता है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और हमें हर एक आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट मिला है। कई बार आप देखते हैं मॉल में आप सामान लेने जाते हैं उसमें कुछ में डिस्काउंट होता है तो वो डिस्काउंट बिल के ऊपर प्रिंट होता है। एज इट इज मैं चाहती हूँ कि जब मैं कोई किसी को सेल्स को का इनवॉइस प्रिंट करवा रही हूँ, कोई सेल्स का इनवॉइस बना के दे रही हूँ, तो उसपे मुझे डिस्काउंट ऐसे ही प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आप जैसे कैश का एक इनवॉइस बना रहे हैं, कैश सेल का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप पार्टी नेम ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने ये आइटम ले ली, मैदा ले लिया, गोडाउन मैंने पिक कर लिया, तो जैसे मैंने 10 kg लिया 80 रुपीज, 800 हुआ, इसमें 1% डिस्काउंट मिल गया। तो देखिए ऐसे डिस्काउंट शो कर रहा है। एज इट इज यहाँ पे सूजी ले लिया मैंने, उसके लिए भी MG रोड सिलेक्ट कर लिया, 1 kg को सेल किया, इसमें 3% डिस्काउंट है। तो ऑटोमेटिक जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज लेस हो जाएगी। जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है हम लेस कर देते हैं बट कहीं पे शो नहीं करते कि कितना अमाउंट लेस है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका शो करेगा। और जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ से आप ऑल पी से प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू भी आ जाएंगे। और जब जूम करेंगे ऑल जेड से तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम शो करता है। ऐसे आप मतलब प्रॉपर जो भी आपने इनवॉइस बनाया होगा उसमें ऐसे डिस्काउंट कॉलम जो है वो आपको प्रिंट में शो करेगी। ओके, तो ये होता है आपका डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है आज की वीडियो का लास्ट फीचर जो है वो है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। कई बार ऐसा होता है हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हमारे पास उसकी एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और है, बिल में क्वांटिटी कुछ और है, रॉन्ग भी आपके पास बिल बन के आ सकता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कुछ और आ गई, बिल में कुछ और आ गई, या फिर रियलिटी में ही ऐसा हो गया कि बिल तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी का है लेकिन एक्चुअल में आपके पास सामान कम पड़ा है। तो उस केस में भी आप एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी को इनेबल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पावर प्लांट के लिए मैंने बहुत सारा डीजल एक कंटेनर में परचेज किया, तो मेरे पास जो इनवॉइस है डीजल का वो मेरे पास कुछ अलग है और जो एक्चुअल में मेरे पास डीजल बचा वो कुछ और है। दोनों की क्वांटिटी मुझे मेंटेन करनी है। तो आप देख सकते हैं जब आप इस फीचर को इनेबल करके आते हैं तो परचेज हो या सेल हो, इसमें क्वांटिटी के दो कॉलम्स आपको दिखते हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअल क्वांटिटी भी मेंटेन कर सकते हैं और बिल वाली क्वांटिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर मतलब हमने सेल किया, सॉरी हमने यहाँ पे परचेज किया कैश में क्रेडिट में जैसे मर्जी आपने यहाँ पे सपोज कुछ परचेज कर लिया,
तो जैसे आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं डीजल, मान लो हमने परचेज किया, हम डीजल ही ले लेंगे अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जब डीजल प्रोडक्ट पिक करती हूँ, इसको हम लीटर्स में ले लेते हैं। इसको लीटर्स में लेने के बाद अब यहाँ पे आता है गोडाउन। गोडाउन में यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ऑफ गोडाउन है उसमें से हम पिक कर लेंगे। अच्छा, क्वांटिटी यहाँ पे किस गोडाउन में आपने डीजल रखा है, तो वो गोडाउन पिक कर रहे हैं, बना हुआ है इसलिए पिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये ऑटोमेटिक ही ले लेगा। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा एक्चुअल क्वांटिटी है 49 लीटर। बिल जो मैंने लिया था वो है 50 लीटर। अब डीजल तो ऐसा होता है कि जैसे रखे रखे भी एयर में इवेपोरेट हो जाता है, तो वैल्यू उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ही होगी। तो मान लीजिए एक्चुअल मेरे पास 49 लीटर बचा है, बट बिल में 50 लीटर है। अगर मैं 50 की एंट्री करूंगी तो मेरे एक्चुअल से वो मैच नहीं होगा, एक्चुअल की करूंगी तो मेरे बिल से मैच नहीं होगा। तो ये रीजन की वजह से मुझे दोनों चीजें मेंटेन रखनी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी और बिल वाली क्वांटिटी भी। तो दोनों केस में हम इसको यूज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा 80 रुपीज है लीटर पर लीटर। तो ये देखिए इसने जो रेट पिक करा है ना, वो इसने बिल के अकॉर्डिंग किया है, और बिल के ही अकॉर्डिंग करना चाहिए। आपने जितने का बिल होगा उतना ही अमाउंट पे करा होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया अकॉर्डिंग टू बिल, इसको एक्सेप्ट करा। और यहाँ पे हम आते हैं स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी पे आने के बाद हम यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सॉरी, यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं स्टॉक समरी में। डीजल आप देखेंगे तो आपके पास क्वांटिटी वही शो कर रहा है जितनी हमने एक्चुअल में डाली थी, और वैल्यू वही शो कर रहा है जो हमारी टोटल वैल्यू बिल की आई थी। बट यहाँ पे जो रेट है वो इसने क्या किया है, वो इसने एवरेज प्राइस पिक कर लिया 49 लीटर का अकॉर्डिंग टू 4,000 रुपीज। क्योंकि जो लॉस हमें हुआ है 1 लीटर, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इतने एवरेज प्राइस यहाँ पे पिक करके आपको टोटल वही वैल्यू दिखा दी जो आपने पे की है। ओके, तो आज हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड जो फीचर्स करे हैं वो हमने करे हैं प्राइस लेवल, इनेबल बैचेस फॉर एक्सपायरी डेट के लिए, और डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस पे, एंड यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। ये 4 फीचर्स हमने आज इन्वेंट्री के करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए इतना कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।